अनूपपुर जिले के रामनगर थाना अंतर्गत पुलिस ने पिछले दिनों हुई चोरी का खुलासा किया है और इस चोरी की घटना में 3 नाबालिग सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी रामनगर थाना अंतर्गत चोरी की वारदात में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था। फरियादी द्वारा सुभाष नगर राजनगर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया था कि 8 नवंबर के दरमियान रात उनके घर से कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर सैमसंग कंपनी का एसी, एक कूलर, 8 वॉशिंग मशीन का ड्रेन पाइप एवं एक वैक्यूम पंप कीमती करीब 7,000 रुपए का लेकर चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना एवं सीसीटीवी की मदद से 10 दिसंबर को 3 नाबालिग किशोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने उक्त चोरी की घटना को करना स्वीकार किया। एक अन्य आरोपी शंकरलाल कुशवाहा पिता सुखराम कुशवाहा को बेचना बताया, जिनके कब्जे से चोरी गया मशरू का एक सैमसंग कंपनी का एसी, एक कूलर, 8 वॉशिंग मशीन के ड्रेन पाइप एवं एक वैक्यूम पंप कीमती 7,000 रुपए को जब्त किया गया तथा 3 नाबालिग किशोर व एक आरोपी शंकरलाल कुशवाहा पिता सुखराम कुशवाहा निवासी बिजुरू को गिरफ्तार किया गया। फरियादी सुमित कुमार सिंह वार्ड क्रमांक 10 सुभाष नगर के हैं। इन्हें रिपोर्ट की थी आज कि उनके घर से एक सैमसंग कंपनी का एसी, एक कूलर, 8 वॉशिंग मशीन के पाइप व एक वैक्यूम पंप, ये 60,000 कीमती चोरी चला गया है, जिसमें वहां के लोगों से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से हमने पता लगाकर उसमें 3 नाबालिग बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने ये घटना को करना स्वीकार किया है। और उसके साथ साथ एक और आरोपी शंकरलाल कुशवाहा, जिसके द्वारा ये माल खरीदा गया था, ये चारों के कब्जे से जो चोरी गया फरियादी के घर का सामान था वो जब्त किया गया है।